ये हमारा जो गेम है ग्लासेस का, ये हमारी काउंटिंग से रिलेटेड है, यानी कि इन गोलों में से बच्चे आएंगे, एक ही ग्लास को उछल कर ही लेकर जाएंगे और सिर्फ एक ही ग्लास आपने लेना है। मैं म्यूजिक शुरू करूंगा, म्यूजिक के अनुसार आप चलते रहेंगे, जिसकी ग्लास लास्ट में जितने होंगे हम बच्चों से गिनवाएंगे और जिसकी ग्लास ज्यादा होंगे वो विनर होगा, उससे जितने कम होंगे फिर जितने कम होंगे वो हम बच्चों से ये कैलकुलेशन करवाएंगे कि कितने कितने कम हैं और अगर हम उनको जोड़ें तो वो कितने होंगे और घटाएंगे तो कितने होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक। बताओ बेटा शगुन कितने ग्लास है? क्योंकि 1 2 3 4 5 कितने हो गए बेटा? 5। अगर इन 5 और इन 5 को मिलाएंगे तो कितने हो जाते हैं बेटा? कितने हो जाएंगे बेटा? इधर मुंह कर लो, कितने हो जाएंगे? 10। शाबाश। हाँ जी गिनो बेटा दिलीप, कितने ग्लास हुए? 1 2 3 4 5 कितने ग्लास हो गए बेटा? कितने हो गए? हाँ कितने ग्लास हो गए? नहीं ये कितने हुए? वो कितने थे? उनमें वो 5 मिलाए तो कितने बन गए? और ये कितने मिल गए? अगर सबको मिलाए तो कितने बन गए? 15। और अगर 10 में से वो 5 घटा ले तो कितने बचेंगे? 4। हाँ भाई शुभम, शिवम कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 कितने ग्लास हो गए? अगर इन सबको जोड़े तो कितने हो जाएंगे बेटा? 20। कितने हो जाएंगे? 20। अगर आपके ग्लासों को और दिलीप के ग्लासों को जोड़े तो कितने बनेंगे? 10। और शगुन के ग्लासों को जोड़े तो, और उनके ग्लासों को जोड़े तो 20। अगर तीनों के ग्लासों में से उन ग्लासों को घटा दें तो 15। शाबाश। देखो ये हमारा जोड़ का भी और घटा का भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होता है कि हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं और कितनी उनमें से घटा दें और कितनी उनमें जमा कर दें। अगर शिवम इन 20 में हम 5 और जोड़ दें तो कितनी बनेंगी बेटा? 25। कितनी बनेंगी? 25। शाबाश, तालियों से।